जिसने कहा संकरे द्वार से प्रवेश करना, उसी प्रभु यीशु के नाम आज के आशीर्वाद के कार्यक्रम में सबका स्वागत है। स्तुति, वचन, गवाही और आराधना द्वारा आप सबको ढेर सारे आशीष मिले। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊ मैं सदा। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊ मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, अरे नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, अरे नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, अरे नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, अरे नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा के बल दिया, जीत तूने मुझे दिया, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा के बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को
हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, संग तेरे, संग तेरे, संग तेरे, संग तेरे। आज का वचन लिया गया है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन 13 और 14। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 और वचन 13 और 14। पहले हम इस वचन को सुनेंगे। संकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वो फाटक और विस्तृत है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु संकरा है वो द्वार और संकीर्ण है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने ढेर सारे बातों, कई सारे ऐसे विशेष बात किए हैं, कई विषय पर उन्होंने बताया है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो वचन हम सुनने वाले हैं ये बहुत महत्व का है, बहुत जरूरी है हम सब विश्वासियों के लिए, पहला मेरे लिए और फिर आप सब के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां पर प्रभु यीशु साफ साफ बताता है कि दो द्वार है, दो मार्ग है और दो अलग अलग नतीजे हैं। तो यहां पर प्रभु यीशु जो बताते हैं वो जीवन का वचन है और ये वचन हम सब के लिए है। हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हम यात्री हैं, एक यात्रा कर रहे हैं। हम जिस मकान में रहते हैं हम हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रहने वाले, हम इस दुनिया में रह रहे हैं हमेशा के लिए नहीं है, हम सब बस एक यात्री है। ये यात्रा जो है कभी ना कभी आज या कल ये खत्म होने वाला है जरूर,
और हम विश्वास करते हैं कि हम प्रभु के पास, हमारे प्रभु यीशु के पास लौट जाएंगे और उनके साथ हमेशा के लिए रहेंगे। और प्रभु यीशु के साथ जो ये यात्रा है हमने इस पृथ्वी पर ही शुरू किया है। तो यहां प्रभु यीशु साफ साफ बताता है कि दो द्वार है। पहला द्वार संकरा है और जो दूसरा द्वार है वो काफी चौड़ा है। मतलब हम कह सकते हैं कि पहला द्वार काफी पतला है, उसमें प्रवेश करना इतना आसान नहीं है, और दूसरा द्वार काफी चौड़ा है, काफी आसान है। और प्रभु यीशु कुछ बताने के पहले यही बताते हैं कि अगर तुम्हें प्रवेश करना है इन दोनों द्वार जो है हमारे लिए विकल्प है, चॉइस है, इन दोनों द्वार में एक द्वार हम चुन सकते हैं। या तो हम संकरे द्वार से प्रवेश कर सकते हैं या चौड़ा द्वार से हम प्रवेश कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु पहले ही बताते हैं कुछ समझाने के पहले, संकरे द्वार से प्रवेश करो। प्रभु यीशु साफ साफ कहता है कि संकरे द्वार से प्रवेश करो। तुम्हारे सामने विकल्प है, चॉइस है, या तो तुम संकरे द्वार से प्रवेश कर सकते हो या चौड़ा द्वार से प्रवेश कर सकते हो। हमारे सामने ये विकल्प रखा है, चुनाव करना हमारा या हमारा अधिकार है, हमारे हाथों में है। प्रभु यीशु का काम बताना है कि ये पहला मार्ग है ये संकरा है और ये दूसरा मार्ग है ये चौड़ा है। और इतना ही नहीं, जब हम इस मार्ग को चुनेंगे तो उसके बारे में प्रभु यीशु कुछ ऐसे भी बताते हैं। प्रभु यीशु कहता है अगर तुम चौड़ा मार्ग से प्रवेश करोगे तो ये मार्ग काफी विस्तृत है, काफी चौड़ा है, लेकिन उसका नतीजा जो है, उसका अंत जो है विनाश है, विनाश है। और प्रभु ये भी बताते हैं जो दूसरा मार्ग है वो संकरा है द्वार और संकीर्ण है, बहुत तकलीफ वाला है, कष्ट उठाना पड़ेगा, स्वयं त्याग करना पड़ेगा, आत्मत्याग करना पड़ेगा, लेकिन इसका नतीजा बहुत अच्छा है, जीवन की ओर ले जाता है, जीवन की ओर ले जाता है। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु हमें यह भी बताता है कि जो चौड़े मार्ग से प्रवेश करता है उस पर चलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, और जो संकरा मार्ग से प्रवेश करता है उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चौड़े मार्ग पर चलने वाले लोग उस मार्ग पर आसानी से चलते हैं, लेकिन जो संकरा मार्ग में चलने का निर्णय लेता है उन्हें ये मार्ग पाना पड़ता है। वो अपने आप नहीं जाते हैं, उन्हें ये पाना पड़ता है, अपने हृदय में टान लेना है, उन्हें अपने मन को मजबूत करना है कि मैं इस पृथ्वी पर जो यात्रा कर रहा हूं, एक विश्वासी हूं, अगर मैं इस पृथ्वी पर यात्रा कर रहा हूं तो मैं संकरे द्वार से प्रवेश करूंगा और मुझे उसे पाना पड़ेगा, मुझे बहुत दुख उठाना पड़ेगा, तकलीफ उठाना पड़ेगा। ये मार्ग आसान मार्ग नहीं है, कांटों वाला मार्ग है, कई सारे परीक्षा आएंगे, कई सारे तकलीफ आएंगे, और कई बार ईश्वर ही हमारा परीक्षा लेंगे, कई बार हम अपने कमजोरी से भी परीक्षा में आ जाते हैं ताकि हमें पता चले कि ये हमारा कमजोरी है, ये हमारा कमी है और उसमें हमें सुधार लाना है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चौड़े मार्ग के बारे में क्या बताऊं, ये वही मार्ग है जो दुनिया के अधिकतर लोग इस मार्ग को चुनते हैं, ये पाप का मार्ग है,
ये अंधकार का मार्ग है, ये रात का मार्ग है, लेकिन जो संकरे द्वार से प्रवेश करता है ये पवित्रता का मार्ग है, ये दिन का मार्ग है, ये रोशनी का मार्ग है, ये मार्ग बिल्कुल अलग है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखना, संकरे द्वार से प्रवेश करने का मतलब है आत्मत्याग करना है। संत पॉल हमें सिखाते हैं, बताते हैं कि मैं चाहूं तो सब कुछ कर सकता हूं, मैं चाहूं तो सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन सब कुछ मेरे लिए फायदे का नहीं है, सब कुछ मेरे लाभ के लिए नहीं है। तो संत पॉल स्पष्ट रूप से बताते हैं, मुझे ये आजादी दिया गया है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन सब कुछ करने से मुझे लाभ नहीं होगा, मुझे फायदा नहीं मिलेगा। हां मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो कुछ हम करते हैं अगर हम ईश्वर के महिमा के लिए करेंगे तो हम सोचकर समझकर वो करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने मनोभाव, अपने एटीट्यूड को उस तरह से हमें बदलना है कि मैं संक्रिय द्वार से प्रवेश कर रहा हूं, उस मार्ग पर चल रहा हूं, ये आसान मार्ग नहीं है। दुनिया के दूसरे सारे लोग वो तो बड़े आसानी से उस मार्ग पर चल रहे हैं, छोड़े मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन मुझे उस मार्ग पर नहीं चलना है। अगर वो मार्ग मुझे विनाश की ओर ले जा रहा है तो मुझे उस मार्ग पर नहीं चलना है। लेकिन अगर ये संकरा द्वार जिससे मैं प्रवेश कर रहा हूं वो मुझे जीवन के ओर ले जा रहा है तो मुझे यही चुनाव करना है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा, चोर आता है केवल चोरी करने, हत्या करने और सर्वनाश करने, और प्रभु यीशु कहता है कि मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने, जीवन भरपूर मात्रा में। तो अब हमें पता चलता है, जब प्रभु यीशु कहता है कि जीवन देने, इसमें पाप का कोई जगह नहीं है, पाप हम पर हावी नहीं होगी। हो सकता है कि इस यात्रा में हम कई बार पाप में गिरेंगे, लेकिन हम पाप से नफरत जरूर करेंगे, हम प्रभु यीशु के साथ चलेंगे। हम वो जीवन नहीं जिएंगे जो हम पहले जीते थे, जो पाप हम पहले करते थे उससे हम नफरत करते हैं, और हमने मन में ठान लिया है कि मैं उस संकरे द्वार से प्रवेश करूंगा, उस मार्ग पर चलूंगा जो मुझे जीवन के ओर ले जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब का यही, हम सब के मन में यही बात होना चाहिए कि मुझे ऐसे मार्ग पर चलना है जो संकीर्ण है, जो कांटों से भरा हुआ है, जो तकलीफ से भरा हुआ है, हर घड़ी में परीक्षा है, और कई बार मैं परीक्षा में गिरूंगा जरूर, लेकिन मेरा प्रभु, मेरा हृदय देखने वाला प्रभु है, प्रभु जानता है कि मैं प्रभु के लिए जी रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संकीर्ण मार्ग में जरूर चलना, लेकिन आपको डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। आपके अंदर और मेरे अंदर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ने दिया है, सहायक को प्रदान किया है, ताकि हम इस संकीर्ण मार्ग पर चले। दुख और तकलीफ देखकर हम हार नहीं माने, क्योंकि अंत में हमें जो मिलने वाला है, हम जो पाने वाले हैं, वो जीवन है, और इस जीवन के सामने कोई तुलना नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जीवन जो है संपूर्ण जीवन है। पाप का जो 2 मिनट 5 मिनट का मजा होता है, इस जीवन के सामने उसका कोई तुलना नहीं है। इसलिए जब कभी हमारे जीवन में परीक्षा आते हैं, तकलीफ आते हैं, प्रलोभन आते हैं, तो हम सोचे कि हम जिस मार्ग में यात्रा कर रहे हैं वो संकीर्ण मार्ग है जो हमें जीवन के ओर ले जाता है। और अगर ये जीवन हमने प्राप्त नहीं किया तो हमने फिर क्या प्राप्त किया है? पैसा है, धन है, दौलत है, नाम है,
क्या यही जीवन है? नहीं। जो प्रभु यीशु देता है, जिस संकरे द्वार से हमने प्रवेश किया है, जिस संकीर्ण मार्ग पर हम चल रहे हैं, वही जीवन के ओर ले जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं नहीं जानता कि आप किस मार्ग पर चल रहे हो, क्या वो विस्तृत मार्ग है या संकीर्ण मार्ग है, नहीं पता। लेकिन अगर आप संकीर्ण मार्ग पर चल रहे हो, चलते रहना। और अगर आपने चौड़े फाटक से प्रवेश किया है और विस्तृत मार्ग से चल रहे हो, अभी भी समय है पश्चाताप करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और प्रभु यीशु के साथ रहना। प्रभु यीशु से कहना, प्रभु यीशु, मुझे इस संकरे द्वार से प्रवेश करना है और संकीर्ण मार्ग में चलना है, मुझे जीवन की ओर जाना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे सामने विकल्प रखा है, चुनाव करना हमारा अधिकार है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे विश्वास है कि आप संकरे द्वार से प्रवेश करने के लिए चुनोगे, संकीर्ण मार्ग से चलने के लिए चुनोगे, क्योंकि उसका अंत जीवन है, परिपूर्ण जीवन। सभी को जय यीशु। मेरा नाम दीप्तिका खवास है और मैं वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से आई हूँ। और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है डिवाइन रिट्रीट सेंटर में। और मैं जब से आई हूँ तब से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और कल फोर्थ डे था रिट्रीट का, और वो मास में सबका हीलिंग प्रेयर हो रहा था। तो फादर ने बोला कि जो आपस में है, आपके सामने है, वो एक दूसरे को देख के और एक दूसरे के सिर पर हाथ रख के प्रे करने के लिए बोला था फादर ने। तभी मेरे पास में जो आंटी थी, उसने मुझे सिर पर हाथ रख के प्रे कर रही थी। और उस टाइम पे मुझे भी कुछ एहसास हो गया था। लेकिन जब वो प्रेयर ख़त्म हुआ, तब मुझे एकदम इतना हल्का फील हुआ कि मैं लाइक आई फील लाइक अ कर्टन, एकदम हल्का फील हो गया। और मेरा ये नी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था उस टाइम, वो गायब हो गया। और मैं इतना जब मैं कन्फेशन पे गई थी, तब भी मुझे ये सब इतना हल्का मैं फील महसूस नहीं कर रही थी। लेकिन जब वो हीलिंग प्रेयर था, तब मैं इतना अच्छा, और सब दर्द जो था मेरा वो चला गया था। तो इसके लिए मैं प्रभु की बहुत धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पे रिट्रीट सेंटर में आके मुझे ये जो दर्द है और आत्मिक की जो दर्द है, वो भी स्लोली वो भी सब चला जा रहा है। तो इसके लिए मैं प्रभु की बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। Hallelujah. Ah, ha, ha, ha.
और बहनों, हम सब प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। ये हम सब के लिए ऐसा घड़ी है जब हम अपने आप को प्रभु यीशु के चरणों के नजदीक पाते हैं। अगर आज हम इस आराधना के समय प्रभु यीशु के चरणों के नजदीक है तो हमें याद रखना है कि प्रभु यीशु ने हमें बुलाया है यहां। प्रभु यीशु की करुणा, उनकी दया, प्रेम और कृपा के कारण हम सब यहां पर उपस्थित हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु प्रेम है, प्रभु यीशु दया का सागर है, प्रभु यीशु करुणामय है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब यही प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। मेरा आप सबसे निवेदन है, हो सके तो अपना घुटना जरूर टेकना। अगर आप अपने हाथ उठाकर प्रभु यीशु की आराधना कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप अपना घुटना नहीं टेक पाते तो बैठकर ही प्रभु यीशु की आराधना करना। लेकिन अगर हम आराधना कर रहे हैं तो हम सबको पता है कि हम अपने दिल और हृदय से प्रभु यीशु की उपासना, उसकी आराधना कर रहे हैं। और हमारे लिए ये एक ऐसा घड़ी है, ये एक ऐसा समय है जहां स्वर्ग हमारे बीच उतर आता है, जहां स्वर्ग और आशीष हमारे बीच उतर आता है। कई ढेर सारे आशीष लेकर हमारे बीच उतर रहा है। स्वर्गदूत हमारे साथ है, वो हमारे साथ प्रभु यीशु की उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया जो है ये स्वर्गदूतों का भाषा है, और हम भी उनके साथ एक होकर प्रभु यीशु को हालेलुया कहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरे दिल खोल कर आराधना करें। अगर मन में कोई दुख हो, तकलीफ हो, किसी बात की बेचैनी हो, सबको हम प्रभु यीशु के चरणों में हम समर्पण करेंगे। ये ऐसा घड़ी है, ऐसा समय है जब प्रभु यीशु हमें स्पर्श करने वाला है। पूरे विश्वास के साथ हमें इस आराधना में भाग लेना है, पूरे विश्वास के साथ मेरे प्यारे भाई और बहनों। Hallelujah, 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 amen. मेरे प्यारे
भाइयों और बहनों, हम वचन सुनेंगे और ये वचन लिया गया है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 67 से। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 67 से ये वचन लिया गया है। हम इसे सुनेंगे। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जय जयकार करो, उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ और उसकी महिमा का स्तुति गान करो। ईश्वर से यह कहो, तेरे कार्य अपूर्व है, तेरे अपार सामर्थ्य को देखकर तेरे शत्रु छाटुखारी करते हैं। समस्त पृथ्वी तुझे दंडवत करती है, वह तेरे नाम का स्तुति गान करती है। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो, उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 67 से मैंने अभी पढ़कर सुनाया, पहला वचन से लेकर पांचवा वचन। हम सबको न्योता है कि इस आराधना में भाग ले। हम सबको यह न्योता देते हैं कि प्रभु यीशु के नाम का गीत हम गाए। हम सबको ये न्योता मिला है कि उसके नाम का स्तुति गान करते रहे। और वचन यही कहता है कि ईश्वर के कार्य अपूर्व है, ईश्वर के कार्य अपूर्व है, उनका सामर्थ्य शक्ति को देखकर शत्रु भी छाटुकारी करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस आराधना के समय हम ईश्वर के कार्यों का ध्यान करेंगे। हमारे जीवन में जो महान कार्य किए हैं प्रभु ने, उस पर हम ध्यान करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी आराधना करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रभु का नाम है जो सबसे ऊंचा है। ये प्रभु का नाम है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों जो सबसे महान है, और उसी नाम की हम आराधना कर रहे हैं। उसी नाम को याद करते हुए, उनके कार्यों को याद करते हुए हम प्रभु की आराधना करेंगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और स्वर्ग दूतों की भाषा में हम गीत गाते हैं। लेकिन आप सब जो, हम सब जो प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है, हमें ये ऐसा मौका दिया गया है कि हम उसकी आराधना करें, उसके जय जयकार करें, क्योंकि हमारे ईश्वर जैसा कोई नहीं। उनका नाम प्रतापी है और उसकी महिमा का हमें स्तुति गान करना है। प्रभु यीशु ने जो कार्य किए हैं वो अपूर्व है, उनका सामर्थ्य, उनका शक्ति देखकर शत्रु हमें छोड़कर चला जाता है। समस्त पृथ्वी हमारे ईश्वर की दंडवत करती है और उसके नाम की स्तुति गान करती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार और हम प्रभु यीशु, हम हमारे ईश्वर के कार्यों का ध्यान करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने जो इस पृथ्वी में किया है कार्य, वह अपूर्व है, उसका कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उनका शक्ति जो है, उनका सामर्थ्य जो है, उससे वो शासन करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय हम अपने सारे निवेदन प्रभु यीशु के चरणों में रखेंगे। जैसे मैं शुरुआत से कहते आया हूं, ये आशीष का समय है, ये आराधना का समय ऐसा समय है जब हमारे जीवन से, हमारे परिवार से सारे बंधन टूट जाते हैं। जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उसका नाम ऊपर उठाते हैं, तो हमारे जीवन से अंधकार का शक्ति जो है, शत्रु का शक्ति जो है, छोड़कर चला जाता है। उनके नाम के सामने
कोई खड़ा नहीं रह सकता, शत्रु खड़ा नहीं रह सकता, हमारे शत्रु ईश्वर के नाम के सामने खड़ा नहीं रह सकता, प्रभु यीशु के नाम के सामने खड़ा नहीं रह सकता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक बार मैं यही कहता आता हूं कि वेदी के सामने अपने आप को समर्पण करना, हम जब स्वयं को समर्पण करते हैं वही सबसे बड़ा आराधना है। रोमियो को लिखा गया पत्र अध्याय 12 और वचन पहला में ऐसा लिखा गया है कि हमें अपने आप को समर्पण करना है, हमारे शरीर को समर्पण करना है, वही सच्चा जो है आराधना है, उपासना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम अपने आप को समर्पण करेंगे आराधना के रूप में, उपासना के रूप में हमारे जीवन को, तो हम कुछ खोएंगे नहीं लेकिन पाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने परिवार को प्रभु यीशु के चरणों के सामने समर्पण करना, उनके सामर्थ्य उनके शक्ति के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, उनका नाम प्रतापी है। और आप सब जानते हैं कि ईश्वर ने आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य जरूर किए हैं। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय का हम पूरा लाभ उठाए, फायदा उठाए। हम प्रभु यीशु की ओर देखें, ईश्वर की ओर देखें। ये वही ईश्वर है जिसने हमें सब कुछ दिया है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। ये वही प्रभु यीशु है जो हमारे जरूरतों को प्रदान करता है। ये वही प्रभु यीशु है जो हमें हमारे परिवार, हमारे घर के अंदर रहना और घर के बाहर जाना, ये वही प्रभु यीशु है जो हमें सुरक्षित रखता है। ये वही प्रभु यीशु है जो हमें मार्ग दिखाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु ने आपकी प्रार्थना सुन लिया है। आप अपने लिए जरूर प्रार्थना करना, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करना। अगर कोई पाप में है तो उन्हें भी समर्पण करना। अगर आप खुद पाप से लड़ रहे हैं तो अपने आप को समर्पण करना। प्रभु यीशु आपको छुटकारा जरूर देंगे। ये छुटकारा का समय है, ये चंगाई का समय है, ये महान कार्य का समय है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु यीशु की आराधना करें, उसके सामने अपने हृदय को समर्पण करें, अपने जीवन को समर्पण करें, परिवार को समर्पण करें, अपने मित्रों को समर्पण करें। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम अंतिम आशीर्वाद को स्वीकार करेंगे, पूरे दिल से प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे और ये आशीर्वाद को स्वीकार करेंगे। हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया।